सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान टेक सीरीज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान टेक सीरीज में। फ्रेंड, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि पेटीएम के एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है। पेटीएम के एप्लीकेशन अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि पेटीएम में आपको अकाउंट कैसे बनाना है, KYC कैसे करनी है, बैंक ट्रांसफ़र कैसे करना है, मूवी टिकट कैसे करनी है, ठीक है, रेलवे टिकट कैसे बुक करना है, फ्लाइट का टिकट कैसे बुक करना है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपको रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दें, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि आने वाले वीडियो बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में। यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है, अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जैसे ही जाएंगे यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सर्च करना है पेटीएम, PAYTM। जैसे ही आप पेटीएम सर्च करेंगे सिंपली आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको इसको ओपन करना है। जैसे आप अपने पेटीएम के एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन करने के साथ से देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटर मोबाइल नंबर का पेटीएम अकाउंट बनाने के लिए। यहाँ पर आपको फटाफट से अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद सिंपली आपको प्रोसीड सेफली में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ग्रांट परमिशन देना है, अलाउ करना है। जैसे आप अलाउ करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल में एक OTP जाएगा। देख सकते हैं कि आपका अकाउंट यहां पर वेरीफाइंग योर डिटेल का ऑप्शन आ चुका है। सिंपली आपको ऊपर जाके स्किप में क्लिक करना है। अब आपका यहां पर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहां पर अपना नाम और ईमेल आईडी कुछ अगर डालनी है सिंपली जाके ऊपर आपको अपने आइकॉन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको एडिट प्रोफाइल में जाना है और वहाँ पर आप अपना नाम, अपना जो भी नाम डाला जाते हैं, अपना जो भी ईमेल आईडी डाला जाते हैं वो डालकर यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पेटीएम की KYC कैसे करनी है। पेटीएम KYC करने के लिए दोबारा आपको अपने नाम के ऊपर क्लिक करना है। फिर नाम के ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, KYC पेंडिंग। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पर अपग्रेड अकाउंट एंड अनलॉक बेनिफिट्स, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। फिर जैसे आप लिख के आ रहा है अपग्रेड टू फुल KYC इन जस्ट 2 मिनट, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट ए मेथड टू कम्प्लीट योर फुल KYC फॉर फ्री। यहाँ पर आपको KYC करने के लिए 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है आधार वेरिफिकेशन विथ OTP। यहाँ पर अगर आपका आधार कार्ड है और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, फिर आप OTP आएगा डालने के बाद सिंपली आपका आधार कार्ड के साथ KYC हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन है ऑथराइजेशन वेरिफिकेशन नियर बाई KYC पॉइंट। अगर आपके आसपास KYC पॉइंट है तो यहाँ पर आप क्लिक करके KYC पॉइंट में जाकर फुल KYC करवा सकते हैं। फिर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आधार वेरिफिकेशन एट योर डोरस्टेप। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहां से अपना आधार कार्ड डालकर, अपना एड्रेस डालकर, जो भी आपके एड्रेस में आप इस समय रह रहे हैं उसमें डाल के आपको सबमिट करना है। आपके नियर बाय में आपके घर आकर KYC पॉइंट करने वाला लड़का आपके यहाँ के आके KYC कर जाएगा। अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, रिचार्ज पे बिल का है, रिचार्ज पेटीएम का है, ट्रैवल का है, यहाँ पर न्यू इंश्योरेंस का है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, पोस्टपेड का बिल पे कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड का बिल पे कर सकते हैं, आप यहाँ पर वाटर का भी बिल पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का भी। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको पेमेंट करने के लिए मिल जाएंगी। फिर यहाँ पर मैं बैक होके जाता हूँ। वैसे ही बैक होके जाएंगे यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है बैंकिंग का, ट्रैवल का। फिर देख सकते हैं नीचे आपको ऑनलाइन शॉपिंग का भी ऑप्शन मिल रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए सिंपली आपको नीचे मॉल में क्लिक करना है। जैसे आप मॉल में क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी ऑनलाइन जितनी भी शॉप है सारी की सारी ओपन होकर आ जाएंगी। नीचे आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपको ओला वगैरह की बुकिंग भी, कैब वगैरह की बुकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑनलाइन मेडिसिन भी मंगा सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे कैशबैक ऑफर देखने के लिए नीचे आप कैशबैक एंड ऑफर में क्लिक करके अपने ऑफर भी देख सकते हैं। ऊपर फिर आप जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड करके यहाँ पर आपके जितने भी पेटीएम मॉल है, पेटीएम मॉल में जो भी ऑफर चल रहा है किसी भी चीज़ का वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बैक होकर दोबारा जाना है। देख सकते हैं यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ ट्रैवल एंड होटल में क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको फ्लाइट टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट,
यहाँ पर आपको मूवी का टिकट, यहाँ पर ट्रेवल जंकी एंड यहाँ पर आप होटल का बुक भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे मॉल में क्लिक करना है। मॉल में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपका पेटीएम मॉल ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको कपड़े के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक का आइटम, आप घर का जो भी चीज़ यूज करते हैं सारी चीज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी, वो भी भारी डिस्काउंट में। अगर आप किसी को पेमेंट कराते हैं अपने QR कोड से, तो यहाँ से आप QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे अगर आप यहाँ पर अपना पेटीएम का सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो सेविंग का अकाउंट भी यहाँ पर अपना ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको मैंने बताया पेटीएम का एप्लीकेशन यूज करना। बाकी जैसे ही आप पेटीएम चलाना सीख लेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अगर आप कोई भी सेटिंग करना चाहते हैं, अपने ऑर्डर का डिटेल देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपने ऑर्डर का डिटेल भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आने वाले वीडियो बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो पर इतना ही। Thank you for watching. Take care.